तो आज की इस वीडियो में आप सभी को एक एक्शन फाइल देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में 4x6 के पेपर में 8 फोटो बना सकते हो। तो जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक फोटो है और मैंने सिर्फ एक क्लिक में ये 4x6 के पेपर में मैंने यहाँ पे 8 फोटो बना दिया है। तो अगर आप भी चाहते हो इस एक्शन को डाउनलोड करना और इस एक्शन को कैसे यूज करते हैं, तो आज की इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस टेक राजा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो में जो एक्शन फाइल देने वाला हूँ उसमें जी फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो वो पासवर्ड लेने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो अगर आप पासवर्ड मिस कर जाते हैं तो आपको एक्शन फाइल डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो और क्या इसका पासवर्ड है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं और इसे भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक इमेज है, तो मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको। तो ये इमेज है मेरे पास, तो मैं इसे सिर्फ एक क्लिक में आपको पासपोर्ट साइज फोटो में बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो अगर आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करने जाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ से आपको टाइप करना है रिमूव बीजी, ये आपको लिख के टाइप कर देना है। तो जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहला वेबसाइट आएगा removebg.com। तो सिंपली आपको इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अपलोड का जो ऑप्शन है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिसका भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मेरे पास एक इमेज है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो ये इमेज इसमें अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आपको कुछ देर वेट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हो कि ये भी हमारा रिमूव हो चुका है। तो अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिटर का जो ऑप्शन है वो खुल के आएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत सारा मिल जाएगा, आप यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। अगर आपको सॉलिड कलर यहाँ पे लगाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली आपको इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कलर चूज कर लेता हूँ। तो ये कलर चूज करने के बाद अभी आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड का, तो सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है डाउनलोड इमेज, तो सिंपली आपको इस डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा अभी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी हमारा बैकग्राउंड जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस वाली इमेज को हम अपने फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो ये वाला फोटो हमारा भी यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन हो चुका है। तो ये फोटो इनेबल होने के बाद सबसे पहले आपको इसे बड़ा करना है। तो अगर आपका फोटो में लाइट थोड़ा कम है तो यहाँ से आप इमेज पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी इमेज का जो लेवल है वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आप अपने इमेज के अनुसार। तो मेरा इमेज जो है वो सही है, तो मैं यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आपके इमेज में कोई सा भी कलर हाईलाइट हो, जैसे कि लाल कलर ज़्यादा है, पीला कलर ज़्यादा है, तो उसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्टिव कलर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपके इमेज में जो भी कलर ज़्यादा हो तो सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके इमेज में लाल कलर ज़्यादा है तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्लैक वाले ऑप्शन को यहाँ से माइनस करेंगे, तो आपका जो भी इमेज में लाल धब्बा या फिर लाल कलर का जो हाईलाइट है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपका येलो कलर ज़्यादा है इमेज में तो सिंपली आप यहाँ पे येलो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस माइनस वाले ऑप्शन को कुछ इस तरह से कम करेंगे, तो ये भी हमारा येलो कलर यहाँ से कम हो जाएगा। तो आप अपने इमेज के अनुसार यहाँ से करना। तो मैं ये कुछ इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और अगर आपके इमेज में लाइट कम है तो सिंपली आप यहाँ से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैनवास का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा और यहाँ से आप अपने इमेज में लाइटनेस जो है वो ऐड कर सकते हो। तो मेरे इमेज में भी लाइटनेस जो है वो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इमेज को पासपोर्ट साइज फोटो में क्रॉप करना है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको विड्थ में डालना है 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से आपको हाइट में डालना है 4.5 सेंटीमीटर और रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे 100 इंटर करना है और यहाँ से आपको पिक्सल इंचेस सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इमेज को कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इमेज को क्रॉप कर लेना, दोनों कंधा मिला के आप यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना अपने इमेज को। तो ये क्रॉप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा और ये क्रॉप होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेगा ये एक्शन फाइल करेगा। तो इस एक्शन फाइल को लाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्शन का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्शन का फाइल है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा।
तो पहले मैं इसे आपको यूज करके दिखाऊंगा और फिर बाद में बताऊंगा कि आप इसे डाउनलोड किए हुए एक्शन को इसमें कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये रहा मेरा एक्शन फाइल, तो मैं इस एरो वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, ये वाला जो है ये एक्शन है, और इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज है इसका खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि फर्स्ट में है, 8x4x6 यानी कि 4x6 के पेपर में ये 8 फोटो प्रिंट करके देगा। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे आपको दिख रहा होगा एक प्ले का बटन, तो सिंपली आपको इस प्ले वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्ले वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी हमारा फोटो बनना स्टार्ट हो चुका है और ये फोटो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। सिर्फ एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे ये 4x6 के पेपर में यहाँ पे 8 फोटो बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल पी प्रेस करके आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो अपने फोटो को सिर्फ एक क्लिक में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एक्शन फाइल को अपने फोटोशॉप में कैसे ओपन कर सकते हो और कैसे इसे इसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से डेस्कटॉप पे आते हैं। तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे एक्शन फाइल को तो आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जीप फाइल मिलेगा। तो ये जीप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको पासवर्ड मिल पाएगा। और पासवर्ड जो है वो 5 स्टेप में है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो ये डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टैक टू 8x4x6, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टैक वाले फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देता हूँ और यहाँ से पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये फाइल अभी हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला एक्शन फाइल है। तो ये फाइल ओपन होने के बाद अभी आपको यहाँ पे फिर से फोटोशॉप को ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पुराना वाला जो एक्शन है ये इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं आपको फिर से ऐड करके दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आपको इस एरो वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लोड एक्शन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपने जहाँ कहीं भी डाउनलोड करके रखा है तो सिंपली आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा मेरा एक्शन फाइल, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा एक्शन फाइल जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो आपको इस एरो वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करके आपको यहाँ पे प्ले कर देना है। तो ये भी हमारा एक्शन फाइल जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी हमारा फोटो बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से सिर्फ एक क्लिक में 4x6 के पेपर में 8 फोटो बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।